बगनी आ गई अभी। चरण देखा? चरण देखा? ये तो लेट कुछ, चलो रेडियो जल्दी रेडियो। एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। दुर्गा पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी जब भी स्टार्ट होता है तो बहुत भीड़ होता है, इसलिए पहले ही जा रहे हैं मालकान सिंह का पंडाल देखने के लिए, जो आदित्यपुर में है। और भीड़ में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए अभी पहले ही जा रहे हैं। अभी कम भीड़ रहता है, पंडाल रेडी हो गया है। तो कौन कौन जाएगा वो सब मैं दिखाऊंगा, अपने फैमिली के साथ जाऊंगा। तो चलिएगा, इस वीडियो में बने रहिए। अभी रेडी होना है मेरे को, और बाकी लोग हो रहे हैं रेडी। चलिए वीडियो में बने रहिए। बाबू रेडी हो रहा है। बाबू इधर घुमा, कौन सा ड्रेस? मेरा ही शॉर्ट्स पहनता है, 7 नंबर। फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है इसको, मेरा भांजा है। चलिए हम भी रेडी होते हैं। तो गाइस अभी रेडी हो गए हैं, और सब कोई रेडी हो गया है। ए देखिए इधर, हाय कर दीजिए। ये हमारा महरिया है। और बाकी लोग रेडी हो रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। दीदी भी रेडी हो रही है इधर, दीदी। और जीजा लोग अभी आ रहे हैं, भगनी को लेने गया है। भगनी का स्कूल 5 बजे छुट्टी होता है, तो भगनी आएगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। वो लोग भी रेडी होगा, उसके बाद निकलेंगे। चलिए, और भगनी आ गई अभी। चरण देखा? चरण देखा? ये तो लेट कुछ, चलो रेडियो जल्दी रेडी हो जा। जीजा भी आया शायद, आ रहा हो। बाकी लोग रेडी होके बैठा हुआ है, इंतजार कर। चलो रेडी हो जाओ स्कूल बच्चा। गाइस अभी हम लोग मतलब आए हुए हैं जमशेदपुर जीजा के घर, और यहीं से जाएंगे। और जीजा भी अभी पहुंच गए, रेडी हो चढ़े, हमारा सब रेडी होंगे। बस जीजा रेडी हो जाएगा और निकल जाएंगे। भगनी भी रेडी, बाबू भी रेडी, सब रेडी, अभी हम लोग निकलेंगे। बाबू जल खरीदे, जल खरीदे। जीजा भी रेडी। चल 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 चलो चलो, लेट हो रहा है। ए तुम चाबी ले, ओए मुदा चले ले, चले ले। मुदा भाई बिन बीचो ना, তখন অন্য গাড়ি আসব। ঠিক আছে, তো লোক নিকল গে হ্যাঁ, আর আগে গাড়ি এসি মে জানে বালে হামলোক। এ হামলোক কা ঘোড়া বানা বালা পন্ডাল বন রা হ্যায়, কমপ্লিট নেই হুয়া হ্যায়। দেখিয়ে আগে সে দিখাতা হুঁ, দেখ লিজে অভি পুরা রেডি নেই হুয়া হ্যায়, বহুত আচ্ছা বন রা হ্যায় ইস বার। बाकी आज हम लोग घूमने जा रहे हैं इस ऑटो से, सब रेडी है। चलो ड्राइवर कोई आया नहीं है अभी तक। और अभी हम लोग निकल गए हैं आदित्यपुर के। हाँ अभी टेलको में भी पंडाल बन ही रहा है, ये सब रेडी होगा बाद में। सबसे पहले तैयार होता है मालकान सिंह का पंडाल जो आदित्यपुर में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये देखिए गाइस, पीएम मॉल, हमारा जमशेदपुर का सबसे बड़ा मॉल। बाहर का व्यू, ये मेन गेट, यहाँ से एंटर करता है सब। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए आदित्यपुर, और अभी पंडाल के लिए जाएंगे, पंडाल देखने के लिए जाएंगे। देखिए रास्ता से ही सजाया हुआ है, चलिए चलते हैं। तो गाइस जब मेला चालू होता है तब यहाँ बहुत भीड़ होता है, और भीड़ में फिर कुछ देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग पहले ही आ गए हैं पूजा स्टार्ट होने से पहले ही।
ताकि हम लोग पूरा देख पाएंगे पंडाल अच्छे से। और यहाँ पहले ही बन जाता है, बहुत पहले, बाकी जितना भी जमशेदपुर में पंडाल बनता है वो सबसे पहले यहाँ कंप्लीट होता है। और यहाँ पहले ही आदमी लोग देखिए कितने लोग देखने आए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ रहता है और मुझे भी ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही आ गया हूँ। हमारे जमशेदपुर का सबसे अच्छा जहाँ पंडाल बनता है वहाँ हम लोग आ जाए हुए हैं। देखिए बाहर का सीन, ये देखिए मलकान सिंह का पंडाल। और आगे का व्यू देख लीजिए कितना मस्त बना हुआ है, बाकी उधर डिजाइन काफी भीड़ रखता है गाइस, यहाँ भीड़ रहता है। देख लीजिए क्या बना है, नहीं ये जो पंडाल है बाहुबली वाला तो नहीं है। ये देखिए पूजा नहीं स्टार्ट होते ही कितना भीड़ है यहाँ। यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग, इस बार अलग बनाया है, मैं तो कभी आ नहीं पाता था यहाँ क्योंकि बहुत भीड़ रहता था तो नहीं आते थे। और गाइस अभी हम लोग अंदर आ जा रहे हैं, अंदर का व्यू देख लीजिए, ये रहा मूर्ति देख लीजिए। अभी गुफा से हम लोग पार होंगे, चलो आगे दिखे। जहाँ लोग आने के लिए रास्ता है, मतलब काफी भीड़ रहता है यहाँ, आ नहीं पाता है, पूरा अंदर भी नहीं जा पाता है कोई कोई जब पूजा चालू होता है, तो इसीलिए हम लोग इस बार सोचे हैं कि पहले आके देख लेते हैं। देखिए अब तो अंदर का भी पूजा होगा। देखिए अच्छा बहुत सुंदर, और इधर से भी निकलना है हम लोग को, बाकी लोग आगे चल गए हम पीछे रह गए। देखिए निकलने जगह जहाँ एग्जिट गेट है वहाँ पर भी एक मूर्ति बना हुआ है। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, पूरा पंडाल देख लिया कैसा है कैसा नहीं, तो चलिए चलते हैं घर की ओर। गाइस घर जाते जाते आदि महोत्सव भी थोड़ा घूम लेते हैं जो गोपाल मैदान में लगा है।
कर रहे हैं, थोड़ा हड़बड़ी में है। देखिए गोपाल मैदान, ये काफी अच्छा सजा है। 7 अक्टूबर 2023 गोपाल मैदान 7 अक्टूबर से लगा है क्या? अच्छा, आदि महोत्सव जनजातीय आदमिता शिल्प संस्कृति व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव। ये देखिए मतलब जितना कपड़ा सब जगह का, जहाँ का कल्चर जैसा है हर एक जगह का लगा हुआ है। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइबल सेट जम्मू एंड कश्मीर का, फिर त्रिवेणी विद्री आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नाटका, मतलब ट्रेडिशनल जितना भी है सब यहाँ पर आज लगा हुआ है, 7 अक्टूबर से लगा हुआ है। देखिए कितना अच्छा, हर जगह मतलब दुकान लगा हुआ है, हर एक स्टेट का है, सब तरह का, जो भी मतलब पुराना जो अपने हाथों से बनाया हुआ है अपना अपना स्टेट का, ये सब बना हुआ है। सुषमा बरला झारखंड, मतलब जो बनाया है उसका नाम और जहाँ का है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर बनाया है, देखिए लालटेन लालटेन डिजाइन भाला देखा, देखिए ये लोग बनाए हैं, झारखंड के ही हैं, काफी मेहनत से बनाए हैं। देखिए गाइस बहुत तरह का चीज़ यहाँ बचा रहा है, और जिसका भी स्टॉल है उसका नाम और स्टेट का नाम दिया हुआ है, ज़्यादातर झारखंड का ही है, और झारखंड के बाहर का भी है, राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, नागालैंड, सब जगह का है। आइए कभी आप लोग भी घूमिए देखिए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए पूरा मेला घूम के, और अच्छा था, मतलब अभी ऐसे ही अगर देखना है पूरा अच्छे से पंडाल को तो पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, और मतलब अच्छा लगा देख के, बहुत दिन बाद में गया मलकान सिंह का पंडाल और अच्छा बनाया इस बार। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आते वक्त गोपाल मैदान में आदि महोत्सव लगा हुआ था, वहाँ पर गए हम लोग, बहुत अच्छा, वहाँ सबसे अच्छा वहाँ लगा कि हर एक स्टेट का जो भी मतलब बनता है, जो चीज़ सामान बनता है वो चीज़ बिक रहा है, और मतलब जो भी कपड़ा हो या कुछ भी हो सब कुछ मिल रहा है वहाँ। तो आप लोग भी आइए विजिट कीजिए कभी अगर समय मिलता है तो, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही मतलब मिलता है देखने को। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।